एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑल क्राफ्ट। आज हम फिर से आपके साथ एक और डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं, जिसको आप चाहे कोटी में, जैकेट में या फिर आप कार्डिगन में यूज कर सकते हैं, सॉल स्टॉल मफलर में भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, टू रो का ये डिज़ाइन है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पर स्टार्ट करने से पहले कि आप वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो बिल्कुल लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट करना, वहाँ पर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ, शाम को 8 बजे मेरी वीडियो आती है। बहुत जल्दी अगर आपका कोई डिमांड होगा तो मैं टाइम चेंज कर दूँगी, वरना ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो 9 के मल्टीपल आपको स्टिच लेने हैं, 9 9 यानी 9 के मल्टीपल ही आपने स्टिच लेने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा लेती हूँ। अगेन ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक डिजाइन का हो गया है। तो अगेन हमने इसी तरीके से, मैं यहाँ पर 3 डिजाइन बनाऊँगी, तो मैं 27, तो यहाँ 10 11 12 13 14 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27, जितनी भी आपने 9 की मल्टीपल स्टिच लेनी है, उसके बाद जब आपने डिजाइन ले लेनी है उसके बाद 3 स्टिच आपने और लेने हैं। तो ये मेरे हो गए हैं, तो यहाँ पर मेरे टोटल 30 हो गए हैं, बन लूँगी। और यहाँ से 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टिच मैंने स्किप करने हैं, और 7 वाले स्टिच में हम जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए इस तरीके से। अब आपने कोई चेन नहीं लेनी है, इस तरीके से बल लेना है। और यहाँ पर आपने देखिए 1 और 2 स्टिच स्किप करने हैं, थर्ड वाले में अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 5 टाइम डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, देखिए इस तरीके से। तो ये मेरी एक डिज़ाइन का पैटर्न रिपीट है, अगेन यहाँ पर बल लेंगे। अब चेन आपने कोई नहीं लेनी है, देखिए 1 2 3 4 चेन स्किप करनी है, 5th वाली चेन से हमने अगेन यहाँ पर देखिए 5th वाली चेन से हमने यहाँ पर अगेन 5 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहीं पर आपको काउंट करने हैं, बाद में आपने कोई काउंट नहीं करना पड़ेगा। देखिए 2 3 4 5, देखिए इस तरीके से ये हो गया है। और अगेन आपने बल लेना है। अब आपने ये वाला पैटर्न रिपीट करना है यहाँ पर। तो ये जो 5, ये जो हमने 4 का स्किप, ये जो स्पेस दिया है यहाँ पर डिस्टेंस, ये हमारे डिजाइन को डिवाइड करने के लिए है। तो अब हमने डिजाइन का जो पैटर्न है वो रिपीट करना है, तो हम अब 2 पर स्किप करेंगे। देखिए 1 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले चेन से पैटर्न रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से हमने अपनी इस रो को कंप्लीट करना है, और आपने जिस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट को आपने इतना बना लेना है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपको कुछ बनाकर दिखाऊं, अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, स्पेशल साइज में आप देखना पसंद करते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और ऐसे ही मेरे चैनल पर आपको 100 थालपोस के डिजाइंस कंप्लीट हो गए हैं, और वो मिल जाएंगे। अभी थालपोस के डिज़ाइन मैंने पोस्टपोन कर रखे हैं, मैं बाद में डालूँगी, अभी ये डिजाइंस रिपीट कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको देखिए पसंद आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 स्किप करके मैं अगेन यहाँ पर बनाऊँगी। तो ये मैं अपने डिजाइन के लास्ट में आ चुकी हूँ। तो लास्ट ये मेरा जो पैटर्न है 5 वाला, वो लास्ट टाइम बन रहा है यहाँ पर।
देखिए जब आप चैन से बनाओगे जब भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास चैन बचे हैं, तो लास्ट वाली चैन से हमने 1 टाइम, यहाँ पर आपके पास 3 चैन होंगे, अगर आपका एक तो कम हो गया है तो यहाँ पर कम बचेंगे। तो यहाँ पर मैं लास्ट वाले में से 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाता हूँ। तो ये डिजाइन कुछ आपको ये देखिए 1 2 3। तो अगेन देखिए थ्री चैन बना ली हैं जो कि डबल क्रोशिया का काउंट करेंगे। अब वन लेंगे। अब ये जो हमें यहाँ पर कोई चैन नहीं है बट स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जाके हम पफ बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरीके से सभी को एक साथ ओवर करेंगे 1 2 चैन बनाएंगे। अगेन सेम प्लेस से फिर से 1 टाइम पफ बनाएंगे इस तरीके से 2 चैन बनाएंगे। फिर से टोटल 3 टाइम हमने पफ बनाना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये 2 2 का स्पेस हो गया है। अब हमने 1 2 3 4 चैन लेनी है, और जो हमने यहाँ पर यानी बॉटम से आप देख सकते हैं जो हमने 4 चैन बनाई थी उसके ऊपर हमें यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखिए अगेन 1 2 3 4 चैन लेंगे, वन लेकर यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर जाकर आपने ये डिजाइन को यानी पफ बनाना है 3 टाइम। देखिए 1 2 चैन स्पेस लेना है, अगेन देखिए 1 2 3 पफ बनाना है, 2 स्पेस लेना है, 2 चैन का सॉरी, इस तरीके से अगेन देखिए हमारे 3 पफ बन गए हैं। तो फिर हमने 4 चैन लेनी है, और जो हमारा ये 5 वाला स्पेस है यानी जो बॉटम से हमने 4 चैन स्किप की थी उसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको जॉइंट कर देना है। अगेन मैं लास्ट पे आ गई हूँ, फिर से हम पफ बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपने पफ एक बराबर बनाना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। 2 चैन बनानी है, फिर से 2 जब आप इसको चाहे आप एक कलर में बना सकते हो, चाहे 2 कलर में बनाएं, उतना ही प्यारा और सुंदर ये बनेगा। यहाँ पर देखिए, और बाद में आपने यहाँ पर 2 चैन लेनी है, और यहाँ पर साइड साइड में आपने 2 2 चैन लेनी है, और यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बना देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन हो गया है। तो यहाँ पर ये डिजाइन जो है वो एक डिजाइन कंप्लीट बन गया है। देखिए इधर से इसका फ्रंट साइड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अब नेक्स्ट में आपने कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ से बन लेंगे, जो 2 चैन का स्पेस है हम यहाँ पर जाके अगेन 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए इस तरीके से अगेन इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए आपके समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बल लेना है और यहाँ पर डायरेक्ट जाना है, और यहाँ पर जाके आपने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है जब ये आपका डिजाइन जो है शेप में आएगा, वरना आपका डिजाइन लगेगा बॉटम से सिकुड़ा हुआ, ऊपर से फैला हुआ लगेगा। इसी तरीके से आपका डिजाइन जो है वो बन जाएगा। देखिए इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है।
इसी तरीके से यहाँ पर 5 टाइम यहाँ यहाँ मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो कम ओवर हो गए हैं। अगेन मैं 3 टाइम चैन बनाऊँगी और 3 टाइम चैन बना के 2 चैन और बनाएंगे। फिर से यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पर अगेन हमने यही पफ स्टिच बनानी है जो हमने नीचे बनाई थी। यानी कि हमने पहले ही बता दिया है 2-2 रो का ये डिजाइन है, 2 रो में ये डिजाइन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आपने इसी तरीके से ये बनाना है। देखिए मैं सेकेंड रो भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस तरीके से, तो ये मेरी पफ वाली स्टिच खत्म हो गई है। 3 पफ बन गए हैं। अगेन मैं यहाँ पर 4 चैन बनाकर यहाँ पर ज्वाइंट कर दूंगी सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से। तो मैं इस रो को बना के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये जो पफ वाली रो है वो बना ली है, ऊपर से वो वाली रो बना ली है प्लेन वाली जो बेस रो थी वो। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप इस रो को नहीं बनाते हैं तो आपकी डिज़ाइन फैली हुई लगती है। जब भी आप इस प्रोजेक्ट को ओवर करें तो ये इस वाली रो पर ओवर करें, पफ स्टिच वाली ओवर पर नहीं करें। तो यहाँ पर ये इसका फ्रंट लुक है ये वाला, और ये इसका बैक लुक है। कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें कुछ बना कर दिखाऊँ, बहुत प्यारा यूनिक सा इसका पैटर्न बनता है गाइस, बहुत प्यारा। अगर आप बेबी के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाने के बाद ये जो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप बड़ा वाला जो है स्टोन लगा सकती हैं, चाहे तो आप यहाँ पर मोती का वर्क कर सकती हैं। बहुत ही यूनिक पीस लगेगा ये, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे दूसरे चैनल को जरूर विजिट करें। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर।